कोई नेता कहे मैं ईमानदार हूँ, दुनिया का इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कोई। हम कह नहीं जी हम तो किसी से लेते हैं, हम तो लेते हैं भैया पैसा, हम तो कह रहे हैं देखो घर आई हुई लक्ष्मी को तो ठुकराते नहीं। अच्छा ये बात कही जाती है कि आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वो ज़मीन खरीदी है। देखिए बिल्कुल 200% गलत है। मैंने लैंड यूज चेंज करने के लिए तो तिवारी जी से लिखवाया था, नादर तिवारी से लिखवाया था कि इसका लैंड यूज चेंज करने के लिए। तो यही बात तो हो रही है कि आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। देखो लैंड अगर सीएम लिख रहे हैं सीधा सीधा तो एक चीज सुनो ना, अभिनव कुमार जो डीजी हैं इस समय के, इन्होंने बिना हमारा पक्ष सुने, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना उस लेडीज के दिल्ली में कोई है कि नहीं है उसका कुछ नहीं, और एक रिपोर्ट जिलाधिकारी लिख दी सीधे। तो मैंने फिर दैनिक जागरण के संपादक के खिलाफ, अभिनव कुमार के खिलाफ लोकायुक्त में जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। वर्तमान में जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, दैनिक जागरण के संपादक। अब मुझे ये बताइए कि जब ईडी की एंट्री आपके घर में होती है, उनके अधिकारी आते हैं, तो आपको कुछ घबराहट जैसी महसूस हुई? उलझा फिर मैं हरीश साहू से भिड़ा 2016 में, फिर उसने भी जांच करा दी। जमीन की जांच पहले निशंक सरकार ने करी, फिर हरीश रावत की सरकार ने करी, और अब तीसरी बार ईडी कर रही है। ईडी कर रही है तो ईडी अभी क्या क्या चीजें ले गई है? समझ पा रहा हूँ, फोन भी ले गई ईडी। यार देखो सुनो, मैं आजकल टोपी इधर से उधर घुमा रहा हूँ, कर्ज में हूँ मैं। कितना कर्जा है आपके ऊपर? लगभग कितना कर्जा होगा? मतलब एक पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपने कॉलेज भी खोल दिया, रेस्टोरेंट भी इतना बड़ा खोल दिया, कोठी भी बना दी, तो लोगों को इसी बात पर शक होता है कि इन्होंने मंत्री रहते हुए बहुत सारा गड़बड़ झाला किया है और ईडी की एंट्री भी हो गई है। किसने फंसाया था उस समय आपको जानी प्रकरण में? अगर आप बीजेपी में ही होते तो क्या ईडी आती? मतलब पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा ये कि क्यों नहीं बनेगा भाई, किया जा रहा क्यों नहीं बनेगा भाई? चुन में कौन लोग पैसा देते हैं, किसने मदद? इसका एक मैसेज ये भी है कि भाई मेरी थोड़ी सी मदद करो, संकट में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ ना मैं, अभी तो संकट में। अरे मतलब कभी कभी ऐसा डर नहीं लग रहा है कि मतलब ईडी तो जेल भी भेजे तो ठीक है, मैं तो राम जन्मभूमि में 2 महीने जेल रहा हूँ। नहीं वो तो एक आंदोलन दूसरा था, ये भी आंदोलन है। अब जैसे राम जन्मभूमि हो रहा है तो हमारे भी झंडा आप देखो जो ऊपर झंडा लगा होगा। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में देखिए ज्यादातर कांग्रेसियों ने नहीं लगाया। नहीं मैंने तो इसलिए लगाया, मेरे से यही तो सिग्नल जाते हैं। लेकिन अगर मेरे को एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स में से कोई आपसे सीधा संपर्क करे और वो कहे कि आप हमारी पार्टी में आइए और आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको जो भी जिस तरीके की भी एडजस्टमेंट होती है वो होगी, तो अभी देखिए मेरी इस मुद्दे पर किसी से बात नहीं हुई। अगर होगी, देखिए मैंने उस दिन भाजपा छोड़ी नहीं थी। नजदीकी किसके हैं, कोश्यारी जी के हैं या हरीश रावत जी के हैं? तो पुष्कर से मेरे छोटे भाई की तरह संबंध है, और मैं अपना दुर्भाग्य हूँ स्वाभाविक हूँ, ये क्या नाम भुवन कापड़ी भी, भुवन कापड़ी को भी मैंने मंडी अध्यक्ष बनाया, भुवन कापड़ी को युवा कांग्रेस का मैंने अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ाया, MLA टिकट देने में मैंने मदद करी, तो अब उससे भी छोटे भाई, अब दो छोटे भाई लड़ाई में। अच्छा अगर दोनों छोटे भाइयों में कंपैरिजन करना हो तो किन से ज़्यादा कंफर्टेबल है बात करने में? हरीश साहब तो आपकी हंसी बात आ रही है। नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट्ट। औपचारिक रूप से उत्तराखंड में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर और उनसे जुड़े हुए जो भी परिसर थे वहां पर ईडी की छापेमारी हुई है। क्या कुछ हुआ है ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए मेरे साथ खुद इस समय हरक सिंह रावत साहब मौजूद हैं। रावत जी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या हुआ, ईडी आई तो किस तरीके का माहौल बना, किस तरीके का पैनिक था, कुछ बताइए। देखिए मैं कल परसों रात को शादी से देर से आया था और मैं सो रहा था, 7 बजे के बाद होगा, मैं सो रहा था तो अचानक आए मेरे कमरे में 2-3 लोग और उन्होंने मोबाइल, कह रहे हम ईडी से हैं। मैं तो बल्कि जैसे आदमी सोते हुए जागता है तो मैंने बिस्तर ठीक किया अपना, उन्होंने मोबाइल ले लिया मेरा और फिर मैं मुँह हाथ धुल के कह रहे हमें आपका कमरा सर्च करना है, तो मैंने आप कर लो। फिर उन्होंने पूरा घर की तलाशी ली पूरे दिन भर और उनको जो कैश के मामले में मुश्किल से 3.5 लाख के आसपास मिला, जो कि हमने
घर पे रिपेयर वर्क चल रहा था उसके लिए रखे हुए थे मजदूरों को देने के लिए, और ज्वेलरी मुश्किल से 5-6-7-2 लाख ज्वेलरी मिली। एक वो लॉकर है मिसेज का, वो पंजाब नेशनल बैंक में यमुना कॉलोनी, तो उसकी चाबी ले गए। बाकी वो सैसपुर के ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए, और हमने उससे बता दिया कि भाई हमने ज़मीन ये 2003 में ली है और हम नियम के तहत लिए है, पैसे दे के लिए। हाँ, उसमें ज़मीन बहुत सस्ती थी क्योंकि वो जंगल एरिया था, देहाती एरिया था, पिछड़ा एरिया था, तो वहाँ ज़मीन बहुत सस्ती थी, तो हमने ली है। और हम 2011 में भी जांच हुई थी, तब भी हमारे पक्ष में हुई थी। अच्छा, 2011 में किसने जांच करी थी? उसमें निसंग जी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, उस समय भी ये SIT ने जांच की थी उत्तराखंड में। तो फिर हमने वो SIT ने हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में रिपोर्ट भेजी थी, फिर हमने उस केस में सारे तथ्य हाईकोर्ट में दिए, तो फिर वो जो रिपोर्ट थी उसकी SIT की वो SIT की चार्जशीट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा, ये बात कही जाती है कि आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वो ज़मीन खरीदी है। देखिए, बिल्कुल 200% गलत है। मैं तो बल्कि एक पत्रकार है, अब डेथ हो गई, सत्यम श्रीवास्तव पहले इस केस में रहता था, बाद में वो दूरदर्शन में रहा दिल्ली। मैं इस ज़मीन वाले को नहीं जानता था, वो मेरे पास आया बहुत दिनों से लगा रहा कि ज़मीन खरीद लो। तो मैंने अपने मिसेज को और अपने एक PA को उसके साथ भेज दिया दिल्ली, वो दिल्ली रहता था सत्यम श्रीवास्तव। तो वहाँ से मैसेज वगैरह का, जब उस लेडी घर पे गए तो उन्होंने कहा भी वो बुजुर्ग है, तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो कुछ बयान वगैरह दे दो और पावर ऑफ अटॉर्नी बना लो, लेकिन अगर विल बना लो, तो अगर विल तो तब तक काम करेगी जब तक पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक काम करेगी जब तक आदमी जिंदा है, और अचानक उस डेथ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको। तो हमने विल बना ली, तो वो फिर उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 31 मार्च 2003 को उत्तराखंड में पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो रही थी। तो जब पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो रही थी कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी अब प्रदेश के बाहर की अगर किसी ने की होगी तो वो इलीगल हो जाएगी, लीगल नहीं रहेगी। तो हमें फिर मैंने इस बीच वो ज़मीन जब मैं तो देख ही नहीं थी ज़मीन, तो मैं जब पटवारी को बुलाया ज़मीन दिखाई तो दिखाया नदी में है ज़मीन, तो मैंने तो फिर मना कर दिया सत्यम श्रीवास्तव को, भैया मैं नहीं ले रहा हूँ ये ज़मीन, तो मैं ऐसा करो किसी को भेज दो। उन्होंने किसी को भेजा मेरे यहाँ, और कोई एक आश्रम वाले लोग थे, वो 1 लाख रुपया दे गया मेरे को कि साहब हम रजिस्ट्री कराएंगे। और जब पावर ऑफ डेट ख़त्म हो रही थी उससे 3-4 दिन पहले वापस आए साहब, उन्होंने भी ज़मीन देखी नदी की, और वो भी तो उसके बाद ज़मीन आपने खरीद ली बाद में, फिर हमें मजबूरी होगी क्योंकि 31 मार्च को पावर ऑफ खत्म हो रही और थी। अब उस ज़मीन पर आपका एक कॉलेज बनाया हमने उस पर, और कॉलेज धीरे धीरे बनाया क्योंकि नदी की ज़मीन थी, तो धीरे धीरे जैसे पैसा आता रहा वैसे उसकी सुरक्षा दीवार बनाई, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे 12-13 में मैंने लैंड यूज चेंज करने के लिए तो तिवारी जी से लिखवाया था, नादर तिवारी से लिखवाया था कि इसका लैंड यूज चेंज करने के लिए। तो यही बात तो रही है कि आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। देखो, लैंड अगर CM लिख रहे हैं सीधा सीधा तो एक चीज सुनो ना, कोई भी आदमी, क्योंकि आवास मंत्री मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री को ही देगा ना कोई एप्लीकेशन, कोई वो तो मैं दूंगा, कोई भी सामान्य आदमी भी देगा, वो तो सामान्य आदमी जो है हमको रोज देते हैं। तो लेकिन 2006 के बाद पूरा रिपोर्ट बनने में 2006 के बाद 12 तक जो है लैंड यूज चेंज नहीं हुआ, 6 साल लगे लैंड यूज चेंज होने में। अब अगर आप मुझे बता दो, सरकारी सिस्टम की नाकामी है या आपको कोई विशेष प्रकार से ध्यान रखा गया कि इनका लैंड यूज चेंज नहीं होने देना है? अब आप सोचो, 2006 में जो लैंड यूज की एप्लीकेशन दी हो हमने और CM ने लिखा हो रिपोर्ट के लिखा, CM ने ये नहीं लिखा कि CM ने लिखा, सचिव मार्क जैसे करते हैं, कोई भी प्रार्थना पत्र मंत्री मुख्यमंत्री देते हैं तो हम कार्रवाई करें, आवश्यक कार्रवाई करें लिखते हैं, वो लिखा CM ने।
अब उसके बाद 2012 या 13 में फिर बीच में एक दिन मैंने खंडू जी से कहा, जब मैं विपक्ष नेता था, फिर सारंगे का एक दिन मेरे को फोन आया जो उनके सचिव थे कि राव जी हमने आपकी वो लैंड यूज चीज फाइल कर दी, खोदा पार निकली, कुछ भी नहीं हुआ, भी नहीं हुआ। और निशंक जी ने फिर उस पर जांच बिठा दी, और निशंक ने उस पर फिर जांच बिठा दी। फिर वो एक बलोनी इंस्पेक्टर थे विकास नगर के, उन्होंने पूरा जांच पूरे जब नहीं, पहले तो ये फिर क्या हुआ 2011 में 3 में जमीन खरीदी, तब तो कोई विवाद नहीं। लेकिन फिर वो अब मेरी पूरी सुन लीजिए, नहीं सुनिए तो मेरी बात, लैंड यूज चेंज कब फिर हुआ, जब नहीं, जब, नहीं, जब भगोना जी आ गए सीएम। अब मैं पूरी बताऊं 2011 में 11 तक कोई बात नहीं कि लैंड गलत खरीदी सही खरीदी, म्यूटेशन हो गया, जो एग्रीकल्चर लैंड का पैसा जमा होता है सालाना वो हम जमा करते रहे, कोई बात नहीं। अचानक निशंक जी जब चीफ मिनिस्टर बने, और निशंक जी से मैं विधानसभा के अंदर उनके मेरी भिड़ंत होने लगी, मैं विपक्ष का नेता था तो उनको मेरे खिलाफ जांच करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो ले दे के वो जमीन पे जांच बिठा दी। और जो हमारा चौकीदार था एक मुस्लिम, तो उस जमीन पे झोपड़ी रह के थोड़ा बहुत जितना होता था थोड़ा बहुत वो खेती वेती करता, सब्जी वगैरह उगा था, हमको देता था, गाय भैंस पाल लगी उसे हमको दूध भी दिलाता था, कई बार घी लाता था। उससे एक अल्पसंख्यक हल्द्वानी का कोई अल्पसंख्यक बोर्ड का अध्यक्ष था इनका बना हुआ, उसको भेजा, उससे उससे जो है 10 अंगूठे लगवा लिया, और वो फर्जी ऊपर से लिख दिया कि साहब ये जमीन तो मेरे कब्जे में, और जिस महिला ने की ये जमीन थी उस महिला की मृत्यु हो गई, और ये जमीन अब जबरदस्त संरक्षण राव जी कब्जा कर रहे हैं। इस पे अभिनव कुमार जो डीजी हैं इस समय के, इन्होंने बिना हमारा पक्ष सुने, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना उस लेडीज के दिल्ली में कोई है कि नहीं है उसका कुछ नहीं, और एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को लिख दी सीधे एज ए कप्तान, जबकि कप्तान को रेवन्यू मामले में लिख, जमीन किसकी है क्या ये कप्तान के स्तर पर नहीं है, क्राइम हो तब तो कप्तान लिखेगा, जमीन के मामले तो डीएम और राजस्व विभाग तय करेगा, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि दो लड़के थे उस सावित्री देव के, सुशील रानी के उर्फ सुशील देव के। मतलब कुल मिला के ये समझे कि बीजेपी की सरकार ने उस समय आपकी जमीन को डिस्प्यूटेड घोषित करने की पूरी कोशिश की। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कर दी, लिख दिया, और इसलिए जो है इसके एक लड़का कहीं विदेश में चला गया, और एक लड़के की डेथ हो गई, और इसलिए इसके लावारिस जमीन इस सरकार में वो कर दिया। उस दिन तक जब तक ये घटना नहीं हुई थी, अब दैनिक एक अखबार ने, मैं नाम नहीं लूँगा, एक अखबार ने फ्रंट पेज पे न्यूज़ छाप दी, मैंने इन दोनों के खिलाफ फिर मान आने का मुद्दा बताइए ना, कौन सा अखबार था? दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे छापा था जी, तो मैंने फिर दैनिक जागरण के संपादक के खिलाफ, अभिनव कुमार के खिलाफ लोकायुक्त में जो है मान आने का मुकदमा दर्ज किया था, और विधानसभा में मान आने का मुकदमा दर्ज किया था। वर्तमान में जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, दैनिक जागरण के संपादक कौन थे उस समय? जो मेरठ से थे। अच्छा, तो मैंने नाम याद नहीं है, नाम नहीं मुझे मालूम, वो क्या नाम, अग्रवाल या अच्छा ओके मोहन का भतीजा वगैरह कोई। जी जी जी, तो मैंने उनके खिलाफ मान आने का मुकदमा लोकायुक्त में भी किया, विधानसभा में भी उठाया ओके, कि भाई मेरी छवि को गलत रिपोर्ट के आधार पर खराब की जा रही है। तो तब क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ कि जांच इंस्पेक्टर विकास नगर ने की, सहसपुर निधि विकास नगर को, बाद में जब मैंने जो तथ्य दिए, उस समय तक जिस बुढ़िया से हमने जमीन खरीदी उसके लड़के से मैं मिला भी नहीं था, मुझे जानकारी मिली कि हमने किससे जमीन खरीदी, मैं आपको तो सच, लेकिन जो मरे तो क्या ना करे। अच्छा, ये जमीन कितनी रही होगी, कितना बीघा? 107 बीघा थी। 107 बीघा। तब मैं दिल्ली गया, उनके घर गया, बुढ़िया मर चुकी थी, लेकिन वो लड़का जो बड़ा लड़का था भीमसेन वर्मा वो था। हमारी किस्मत से ये अच्छा था कि उसके जब तक बुढ़िया जिंदा थी और उसका जो बड़ा लड़का जो उसको पालता था, बुढ़िया जिसके साथ रहती थी, उन दोनों का दिल्ली की प्रॉपर्टी को लेकर अपनी अपने भाई बहनों से कोई लड़ाई चली, उनकी बहनों ने कहा इसमें हमका शेयर होना चाहिए। अच्छा चलिए सर, ये सर बातें हो गई, मेरे को समझ में आ गया।
अब मुझे ये बताइए कि जब ईडी की एंट्री आपके घर में होती है, उनके अधिकारी आते हैं, तो आपको कुछ घबराहट जैसी महसूस हुई? क्योंकि बीजेपी सरकार पहले भी आपको टारगेट कर रही थी, आपने बता ही दिया, निशंक सरकार। आपको कोई घबराहट हुई कि बीजेपी की सरकार ने फिर कोई टारगेट कर दिया? देखिए, मैं जब पाक साफ होता हूँ ना, जब हम सही होते हैं ना, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराता। देखो, हमें जवाब ना ईडी को देना है, ना हम जवाब जो है किसी जांच एजेंसी को देना है, ना हमें किसी सरकार को देना है। हमें जवाब अपने मन को देना है। अगर हम अंदर से गलत है, अंदर से हमने कोई गलती की है, तब आदमी कमजोर होता है, तब आदमी को डर लगता है। वो ठीक है, आप जैसे इस जमीन के मामले में जबरदस्ती बिना किसी बात के जो है उलझा, फिर मैं हरीश साहू से भिड़ा 2016 में, फिर उसने भी जांच करा दी। अब एक बार जब हाईकोर्ट से जांच कैंसिल हो चुकी है, मतलब जो चार्जशीट थी वो निरस्त हो चुकी है, तो फिर आप उसी बात पे फिर आप हरीश साहू जांच करा रहा है, तो और अब ये तीसरी बार फिर शुरू हो गया। तो ये ईडी ने इसी जमीन के कागज जब्त किए हैं जो आप बता रहे थे? नहीं, जब्त नहीं किए, उन्होंने ले गए वो। हाँ। जांच में करने के लिए। हाँ। अब ये कोई तर्क है? उन्होंने जैसे वो उसका अधिकारी एक मुझसे कह रहा था कि साहब आपने जब बुढ़िया का जो है, मतलब उस जमीन की जांच पहले निशंक सरकार ने करी, फिर हरीश रावत की सरकार ने करी, और अब तीसरी बार ईडी कर रही है। ईडी कर रही है। अब आप मुझे बताओ ना, इसमें कौन सा अपराध कर दिया हमने? कहले साहब अब ये तुम ये ढूंढते रहो बहाना, अब क्या बहाना दे रहे कि पावर अटॉर्नी जो है उसने बुढ़िया ने अपने बड़े लड़के के नाम क्यों नहीं बनाई पावर अटॉर्नी? आप मुझे बता दो, कोई बेवकूफ़ी होगा? माना आप मेरे पर जमीन खरीदने के लाओगे, मुझे बयाना 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपये बयाना दोगे, माना बयाना दोगे, तो आप पावर अटॉर्नी अपने किसी बंदे के नाम कराओगे नहीं कराओगे? अब ये क्या तर्क है? अच्छा, ये मामला शुरू तब हुआ जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम आया और वहाँ पे अवैध पेड़ों का कटान हुआ, उसमें कई आईएफएस अधिकारी भी फंस गए, वहाँ पर भी रेड उन्होंने मारी। तो दोनों मामले कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ नहीं, रहे हैं? उन्होंने उससे भी पूछा, उस पर भी पूछा उन्होंने। अब वही मैं करूँ ना कि भाई आप 2003 से लेकर पूरी मतलब आप जैसे जैसे कि कभी इंटर किया, कभी ये किया, अब इसकी पूरी जांच, मतलब आईएफएस अधिकारियों पर जांच हो रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, उसमें गड़बड़ झाले की, और आपके प्रकरण में 2003 से जो जमीन खरीदी उसकी भी जांच चल रही है, उसकी क्या सबकी? सबकी, मतलब सारी चीजें पूछी उन्होंने। तो आपने बता दिया कि आपने ये जमीन कैसे खरीदी, इसमें कितने पैसे लगे, आपने रेस्टोरेंट बनाया उसमें कैसे पैसे लगे, नहीं नहीं घर बनाया उसमें कैसे पैसे लगे? भाई सारा इनकम टैक्स को हम वो करते हैं, कई बार कुछ इनकम टैक्स में मामले हमारे फंसे, जैसे सैसपुर की जमीन के भी फंसे, जो हमने कुछ जमीन हमने बाद में खरीदी, कुछ जमीन हमने 12-13 में खरीदी। तो तब आप कैबिनेट मंत्री हो गए थे? हाँ, कैबिनेट मंत्री था। तो जब हमने जमीनें खरीदी, क्योंकि जो नॉर्म्स होते हैं नर्सिंग काउंसिल और आयुर्वेदिक काउंसिल, उसके हिसाब से जमीन चाहिए थी, तो फिर हमने अलग अलग लोग, किसी 2 बीघा खरीदी, किसी 3 बीघा खरीदे, ऐसे 37-38 बीघे के आसपास हमने अलग अलग लोगों से खरीदी जमीन। तो वो उसमें भी पूछताछ करी उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि जब कई हफ्तों से या 2 महीने से संभवतः ये सारी बातें संज्ञान में आने लगी थी, हमारे संज्ञान में आने लगी थी, तो आपके संज्ञान में भी आ रही होगी, बिल्कुल मालूम था कि ईडी आ सकती है, कई अधिकारी भी हैं, उन अधिकारियों के आप मंत्री थे, आप भी हैं, तो कभी आपने अपने इनकम टैक्स के संदर्भ में जो वकील होंगे उनसे बात करने की कोशिश करके रखी होगी, या अपने वकील से बात करके रखी होगी कि भाई अगर कोई इस तरीके की बात होगी तो आपको? मैं इसलिए नहीं करी मैंने बात, क्योंकि हमारा एक कोई भी मामला गलत नहीं था और बिल्कुल हम सही थे, इससे मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी जांच बात करने की किसी वकील से, किसी उस मामले से। तो ईडी अभी क्या क्या चीज़ें ले गई हैं, अगर वो आप बता? ईडी वो ले गई है, मैं बता रहा हूँ कि सैसपुर की जमीन से संबंधित कागज ले गए, और बाकी एनजीओ से संबंधित कुछ कागज ले गए कि एनजीओ ने जो काम किया है पर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम किया, तो उससे संबंधित कागज ले गए,
अब उसमें भी मतलब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका फोन भी ले गई ईडी? ईडी फोन तो खैर वो हमारी गलती से, मेरे स्टाफ की गलती से ले गए। नहीं रवि जी, एक वो ले नहीं जा रहे थे, देखो जो मैं क्यों उनको बोलूँ, उन्होंने उनका व्यवहार देखिए, अब उनकी तो बेचारे नौकरी करते हैं, उनको मैं क्यों बोलूँ कुछ, उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा था। वो फ़ोन हमारी गलती से ले गए, मतलब हमारे किसी स्टाफ ने वो फ़ोन उठा दिया, तो उनको फिर शक हुआ कि भाई क्यों फ़ोन उठाया। तो वैसे तो सभी फ़ोन दे गए, वो ज्वेलरी जो भी थोड़ा बहुत ही घर में, वो ज्वेलरी भी दे गए, पैसे भी घर दे गए, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें खुद आश्चर्य नहीं हुआ कि यार एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के यहाँ से सिर्फ 3-3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं? मैं तो उनको कह रहा था यार देखो सुनो, मैं आजकल टोपी इधर से उधर घुमा रहा हूँ, कर्ज में हूँ मैं। कितना कर्ज है आपके ऊपर? बहुत है भैया। वैसे तो देखो जो कॉलेज के लिए लिया हमने कर्ज, मतलब भले चाहे इस बिल्डिंग पे लिया हो चाहे रेस्टोरेंट पे लिया हो, 5 करोड़ इस पे लिया है, 3-4 करोड़ रुपये रेस्टोरेंट वाले पे लिया है, ऐसे कॉलेज पे है, वो तो अलग है, बड़ा जो कर्ज है वो जो कॉलेज के लिए लेना पड़ता है। लगभग कितना कर्जा होगा? मतलब एक पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपने कॉलेज भी खोल दिया, रेस्टोरेंट भी इतना बड़ा खोल दिया, कोठी भी बना दी, तो लोगों को इसी बात पर शक होता है कि इन्होंने मंत्री रहते हुए बहुत सारा गड़बड़ झाला किया है और ईडी की एंट्री भी हो गई है। देखो मैं एक चीज बता दूं, 6 साल में मैंने ये मकान बनाया, जमीन मेरी नानी ने मेरे को दी थी, क्योंकि वो आजाद हिंद फौज और आर्मी में थे मेरे नाना जी, उनका कोई नहीं था, तो उस जमाने में नानी जी को पेंशन मिलती थी, नानी जी को पैसा रिटायरमेंट मिला होगा, तो बहुत उस पर ज्वेलरी थी मेरी नानी बहुत। तो एक मेरे नाम पर ये जो जमीन है मेरी नानी को नहीं दी मेरे को, हाँ मकान मैंने बनाया, और सिन्नर में एक जमीन लोन लेके बनाया, बताइए। लोन लेके बनाया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितना कर्जा है टोटल मिला के सारा, मतलब इस समय लगभग 20-22 करोड़ से ऊपर का कर्जा होगा। दूसरी चीज़ क्या है, देखो मैं आप बताऊँ, वो जमीन हमने सहसपुर में इतनी सस्ती ली उस समय, मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने जमीन देखी तो मैंने मना कर दिया खरीदने के लिए, उसकी वैल्यू धीरे धीरे 20 साल में बढ़ गई, उस वजह से बढ़ी, फिर कॉलेज बनने के बाद वहाँ की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, सर्कुलेट भी बढ़ गए, मार्केट वैल्यू भी बढ़ गए, तो वो अब जैसे यहाँ डिफेंस कॉलोनी में जमीन सस्ती है, इसलिए कि यहाँ सैनिकों के अलावा कोई ले नहीं सकता, तो सैनिकों पर इतना पैसा होता नहीं है, तो यहाँ चाहे कुछ भी कर लो आप, तब भी यहाँ के रेट आप मार्केट रेट के से आधे पर। सैनिकों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन जितने भी मंत्री पूर्व मंत्री हैं वो सब इधर ही बसते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी नाम पर रिस्क भी है। या तो देखो जैसे धामी जी मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी उनके आर्मी में थे तो उनके नाम पर लिया होगा, लेकिन आप किसी जैसे सुबोधुनियाल ने किसी और के नाम पे लिया होगा, लेकिन अपने नाम पर तो नहीं ले सकते ना। त्रिवेणी जी भी यही है, उनका भाई के नाम भाई है, लेकिन अपने नाम पर नहीं ले सकता ना कोई यहाँ, इसलिए रिस्क तो है ना। अच्छा सर एक सवाल ये बन रहा था, कई लोगों ने मेरे को फ़ोन करके स्पेशली पूछा कि हरक सिंह रावत जी ने CBI जाँच फेस करी 2003-04 में, अब हरक सिंह रावत जी ED की जाँच फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड की एंट्री, उत्तराखंड में CBI की एंट्री जब हो रही थी तो पहले राजनेता आप थे, ईडी की भी एंट्री जो हो रही है उसमें भी जो हमको इतिहास याद आता है उत्तराखंड बनने के बाद पहले नेता आप ही हैं शायद जहां पर ईडी की रेट पड़ी है, इस पर कोई कमेंट करेंगे कि आप ही क्यों, आप ही पर? अब मैं एक बार उदाहरण देता हूँ, नांदा तिवारी जी पे मैं एक फाइल कराने के लिए गया, तो उन्होंने फाइल देख के मुझे कहा रावत जी आपका फाइल वर्क बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत अच्छे संगठन करता हो, लेकिन फिर भी आपके लोग उन मुख्यमंत्री पे लोग बोलते हो मेरे खिलाफ, फिर भी लोग जो है आपकी बुराई क्यों करते हैं? तो उन्होंने फिर खुद पे खुद कहा उन्होंने कि राव जी आपकी योग्यता ही आपकी अयोग्यता बन गई है। मैं कई बार क्या होता हूँ कि भाई जब मेरे पे जैनी प्रकरण हुआ 16 जून को मैंने रिजाइन किया, 6 जून को हिंदुस्तान ने फ्रंट पेज पे न्यूज़ लगाई थी अभिकल भाई ने कि हरीश की जगह हरक की ताजपोशी तय प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसका इनाम आपको मिल गया, उसको 10 दिन बाद मुझे इनाम मिल गया, जैनी प्रकरण फंस गया। तो किसने फंसाया था उस समय आपको जैनी प्रकरण में? अब मैंने मान आने का मुकदमा भी किया था जब CBI की जाँच मेरे पक्ष में आ गई थी अभिकल में, नहीं अभिकल ने तो मेरे फेवर में लिखी थी न्यूज़ कि भाई अब हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष हट रहे हैं और हरक सिंह बन रहे हैं, ओके तो फिर खेल हो गया मेरे पे मेरे खिलाफ।
अब तो मानहानि का मुकदमा किस पे किया था आपने? मैंने मानहानि का मुकदमा उस समय मैंने सीबीआई के खिलाफ किया था। अच्छा, सीबीआई के खिलाफ किया था। और उनके खिलाफ किया था जो विजय बर्थवाल और आसन होटल के खिलाफ। अच्छा। और उन लोगों के खिलाफ जो जिन लोगों ने जबरदस्ती उस लड़की से, क्योंकि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में था इस बात का उल्लेख, सीबीआई की जांच रिपोर्ट में था ये उल्लेख कि क्योंकि मेरे डीएनए टेस्ट मेरे फेवर में आया, सारी सीबीआई जांच मेरी कॉल डिटेल सब कुछ मेरे फेवर में आया, तो सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा था कि इन महिलाओं ने, इन लोगों ने, बीजेपी के इन विधायकों ने उसे जबरदस्ती बुलवाया मेरे खिलाफ। अच्छा, ये बात हो गई 2006-7-8 के आसपास की? नहीं, 4-5 में। 4-5 में। अच्छा, तो फिर मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। क्या हुआ उस मानहानि के मुकदमे का? अब फिर क्या हुआ, देखो मैं तो फिर माननीय अध्यक्ष फोन रखता हूँ ना, फिर एक दिन कोश्यारी जी का फोन आया, अरे हरक सिंह जी क्या राजनीति में सब, जैसे मैंने अभिनयों के खिलाफ किया था और दैनिक जागरण के खिलाफ किया था, तो विकास धुलिया जी आ गए मेरे घर पे दैनिक जागरण के, यार हमारे मालिक के खिलाफ आज हम सारे पत्रकारों के नाम ले रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, विकास भाई आ गए मेरे घर पे, यार भाई साहब आपने हमारे मालिक के खिलाफ, संपादक के खिलाफ कर दिया। तो अब देखा मैं, जो हो गया हो गया, जो मैंने कष्ट भुगतना था भुगत दिया। ऐसे जब कोश्यार जी का फोन आया मेरे को कि यार भाई यार किस मुकदम वापस ले लो, तो फिर मैंने वापस ले लिया, बात खत्म हो गई। हाँ, धुलिया जी आया तो मैंने वो भी वापस ले लिया। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीजेपी में ही होते तो क्या ईडी आती? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तब आती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब मैं सवाल पूछने वाला हूँ, जवाब आपको देना है। नहीं तो मैं कई बार सवाल पूछने वाले से सवाल भी, तो मैं भी तो मास्टर आदमी हूँ ना, मैं तो कल वो कह तो रहे थे मुझसे ईडी वाले कि साहब हम कम बोल रहे हैं आप ज़्यादा बोल लो, मैंने यार मैं मास्टर आदमी हूँ, एक तो नेता और वो भी मास्टर नेता। तो अच्छा ये बताइए, कोई मलाल रहा आपको कि बीजेपी अगर नहीं छोड़ी होती? देखो ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ी। हाँ, वो बात आपने पिछले इंटरव्यू में, मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था, जब कुछ लोगों ने रूमर फैलाई थी तो अमित शाह जी का मुझको फोन आया था, मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था, मैंने कहा साहब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, मेरे जीवन में लोग भले मुझे दर्द बदुख है, लेकिन मेरे सामने परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी बनी है। चलिए वो बात वो हो गई, लेकिन अब क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर संपर्क करने की कोशिश की जा रही हो कि भाई आप बीजेपी में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए बीजेपी में? नहीं, हालांकि उस कद के लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभी डराने के लिए तो नहीं कि आप बीजेपी में आ जाएं? बीजेपी में अभी जो है कोटद्वार सब जगह वो अफवाह फैल गई, मुझे इतने फोन आने लगे अभी 5-7 दिन में, जिस दिन शैलेंद्र राव ने ज्वाइन किया लोगों ने मेरे को भी फोन किया था। हाँ, लोग कह रहे 5 तारीख ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा दिनेश धने कर रहा है, फिर लोगों ने कहा 7 तारीख ज्वाइन करो, 7 तारीख से ईडी आ गई। मैं आज आप बता रहा हूँ, तो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो ईडी का मामला ठंडा हो जाएगा, आप ये मानते हैं? नहीं देखो, राजनीति से अब मुझे नहीं मालूम ये किसने क्या किया नहीं, मुझे मैं इसमें हेर फेर नहीं कर रहा हूँ, मैं ईडी को पूरा सहयोग करूँगा, क्योंकि मन में वो नहीं है, हो सकता है कुछ गलतियाँ हों कागजों में, गलती हो सकती है, वो अलग चीज़ है, नीयत हमारी बिल्कुल साफ है। हमने मैंने कहा ना कि हमने पूरी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, पिताजी नौकरी पर रहे, उनको पेंशन मिली, लोग पेंशन लेने बाद घर बैठ जाते हैं, मेरे पिताजी पर अभी एक साल तक परचून की दुकान चलाते थे, ठीक है, हमने उधार लेके एक छोटा सा रेस्टोरेंट मैंने खोला, उससे पैसा आया। अच्छा, मैंने गांव में आंवले का बगीचा लगा कर लेमन ग्रास लगाता हूँ, आंवला बेचते हैं, लेमन ग्रास बेचते हैं, मेरे अभी कॉलेज में जाओ तो हमने 8 गायें रखी जिसमें 4 दूध देती, दूध भी बेचते हैं, ठीक है। नहीं मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, मैंने लकड़ी का काम किया, मैंने ठेकेदारी करी, पिताजी के नाम पर करी, कभी किसी और के नाम पर करी, सड़कें बनाई, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना में मैंने काम किया, तो मैं ठेकेदारी भी करता था, काम भी करता था, मेरी मिसेज भी सर्विस में रही, तो हमारे यहाँ मेरे भाई भी सर्विस में है यूनिवर्सिटी, मेरी बहू भी सर्विस में, आपका जो है मेरी बेटा भी जो है तब से कॉलेज देख रहा है, वो भी वहाँ से तनख्वाह लेता है, बहू भी जो है पढ़ी लिखी है, MBA है, BTech है, वो भी कम मेहनत करती है, रेस्टोरेंट कर चलाती है, तो हमारे घर में तो
सारे लोगों ने पूरी जिंदगी भर मेहनत करी है। मेरे को यूनिवर्सिटी रिटायरमेंट पे जो है 70 लाख रुपए मिले, वो भी मैंने कॉलेज ही में लगाए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव लड़ने की बात बार बार हो रही है, लेकिन जब ईडी आई तो हमको ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कांग्रेस के लोगों ने बहुत हल्ला मचाया हो। जैसे अरविंद केजरीवाल के घर पे या दफ्तर में जब ईडी गई तो खूब हल्ला मचा कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस ही तो मेरे को आपके घर पे भी नहीं दिखाई दिए, ना उन्होंने विधानसभा में कोई बात उठाई, ना उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस तरीके की आपके पक्ष में बयान दिया जैसा उनको देना चाहिए था। नहीं, अब मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे मेरे लोग बता रहे थे जब कि सारे विधायक आए थे, 20 के 20 विधायक आए थे, सब लोग आए थे, कार्यकर्ता तो बहुत थे जब शाम को, बहुत लोग थे यहाँ और पूरे 1-2 घंटे विधायक भी सब रहे। प्रदेश अध्यक्ष आए थे? प्रदेश अध्यक्ष नहीं है यहाँ पे शायद। हरीश रावत जी? हरीश रावत तो आपकी हंसी बात आ रही है लेकिन चलो वो तो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपका एक बयान अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, दिल्ली से छपा था, जिसमें आप कह रहे थे कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। देखो मैंने इसलिए कहा कि राष्ट्रीय दल जो होते हैं ना, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राष्ट्रीय दल हो, उसमें नेता कार्यकर्ता तय नहीं करता कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। पार्टी तय करती, पार्टी की पॉलिसी तय करती कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मैं निर्दलीय तो हूँ नहीं, उमेश भाई की तरह अपना खानपुर के विधायक जी की तरह भी मैं चुनाव लड़ूंगा, या मैं कोई और निर्दलीय की तरह तो होने में मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी कार्यकर्ता जो है अपने आप नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, मुझसे पार्टी ने पूछा था कि अगर आपको पार्टी एमपी चुनाव लड़ाने पर विचार करती है तो आप कहाँ पसंद करूँ, तो मैंने कहा मैं हरिद्वार पसंद करूँगा। तो अभी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की तैयारी है या अब पार्टी मुझे लड़ाना चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। तैयारी है मतलब पूरी? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा। जो ईडी की रेड हुई है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? या ईडी की रेड से तो मैंने बताया ना, जैनी प्रकरण हुआ तो मैं 2002 में कम वोट से जीता, 2007 में ज्यादा वोट से जीता। मतलब इससे एक प्रसिद्धि, एक माहौल, प्रसिद्धि नहीं, लेकिन चर्चा में आ गई कि दो चीजें हैं। अगर मैं गलत होता, आप विश्वास करोगे, जैनी प्रकरण हुआ, लोग मेरे पक्ष में लोग खड़े दिखाई दिए। अभी तो क्योंकि अचानक हुआ कल ये घटना, अभी माहौल बनेगा अभी, और अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि ये माहौल बने, इनको जांच करने दो, वो जिस दिन पॉलिटिकल बनाना होगा बनाएंगे उस दिन। मतलब पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा ये कि क्यों नहीं बनेगा भाई, किया जा रहा क्यों नहीं बनेगा भाई, मतलब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड में हरक सिंह। आप मुझे बता दो ना, अगर मैं गलत था तो 16 जनवरी 2022 को आपने मुझे मंत्री पद से हटाया, 17 से मैं आपकी सरकार में मंत्री था। अगर मैं भ्रष्ट था, बेमान था, तो आपने मुझे मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? अच्छा सर, एक अधिकारी पर तो ये भी कहा जा रहा है कि बकायदा नोट गिनने की मशीन आई और करोड़ों रुपए बरामद हुए, किसकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके पास इतना कैश मिल रहा है तो किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, अगर मिलता मिल रहा है तो? देखिए ये पूरे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, ये कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है प्रदेश का, इसको मतलब अगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हमारे अधिकारियों के पास पैसा मिल रहा है, हमारे अधिकारी ने मतलब बहुत संपत्ति जोड़ी है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड फेलियर है। ये उत्तरा, और मैं आज बताऊं सही, लोगों को बुरी लगती है मेरी बात, लेकिन मैं बोलता सच हूँ। दो बातें बोलता हूँ मैं सच, कोई नेता ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने तो स्वर्ग आश्रम में जिस दिन 84 कोटी का उद्घाटन किया, 84 कोटी का म्यूजियम का उद्घाटन किया, उस दिन पूरे भरी जनसभा में बोला, मीडिया था, कोई नेता कहे मैं ईमानदार हूँ, दुनिया का इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कोई। मैंने, मेरा बाप सिपाही था, मैंने 12 चुनाव लड़ लिए, ठीक है, कहाँ पोस्टर लगते हैं, लोगों चाय पिलानी पड़ती है, गाड़ियाँ टैक्सियाँ घूमती हैं, कहाँ से पैसा है? समाज ने दिया ना। हाँ। समाज ने दिया ना, तो देखिए हम कह नहीं जी, हम तो किसी से लेते हैं, हम तो लेते हैं भैया पैसा, हम तो कह रहे हैं देखो घर आई हुई लक्ष्मी को तो ठुकराते नहीं तो आप ये बताएं किस आप, मैं बता रहा हूँ, मैं तो इन ईडी वालों से भी कहा कि तुम भी दे के जाओगे तो मैं रख लूंगा भैया हाँ मेरे कुछ जिंदगी वसूल है। एक अधिकारी, मैं माफ करना, मैं नाम नहीं लूंगा उस अधिकारी का, एक सेक्रेटरी मेरा फाइल लेके आया, बहुत पहले की बात है,
प्रमोशन की फाइल थी, मैंने अप्रूव किया। उत्तराखंड की बात है? हाँ। मुझसे कहने लगा कि सर इनसे कुछ कहना, बड़ी कमाई की पोस्ट है, तो मैंने अनसुना कर दिया। पर धीरे से हिम्मत जुटा के दोबारा बोला मुझसे, मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। कौन सी सरकार थी? अब मैं नहीं बोलूँ, सरकार तो बता दीजिए, नाम नहीं बताएंगे। कांग्रेस सरकार। अच्छा। हाँ। बहुना साहब की, हरी साहब की? तिवाड़ी जी की। तिवाड़ी जी की। हाँ। अच्छा। फिर मुझसे कहने लगा कि सर ये तो कमाई हुई पोस्ट है, ये है सो। मैंने सुन लो, हरक सिंह जो है अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में और प्रमोशन में पैसा नहीं लेता। मैं खुद से किसी को बेमान नहीं बनाता। मैंने कहा भाई मैं खुद से किसी को बेमान नहीं बनाता। तो इलेक्शन में कौन लोग पैसा देते हैं? देते हैं, सब लोग देते हैं। और आप ताजुब करोगे, मैंने रुद्रप्रयाग का चुनाव भी जो है पौड़ी के बड़े लोग नहीं, पौड़ी पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाला भी व्यक्ति जो है, जिसको पहले बेचारे को 15,000 तनख्वाह मिलते हो, एक महीने की तनख्वाह देता मुझको। पौड़ी के बहुत सारे सचिवालय जिला ऑफिस में मैंने रुद्रप्रयाग का तक लेसडोन के पौड़ी के चुनाव देखो, श्रीनगर के लोग नहीं मदद करते, जबकि मेरा घर श्रीनगर में, श्रीनगर कभी बड़े होने और किसी ने मेरी मदद नहीं करी। कुड़दार के लोगों ने भी नहीं मदद करी मेरी, लेकिन पौड़ी के कर्मचारियों ने, किसी बड़े अफसर ने नहीं। अगर गलती से पौड़ी संसदीय सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, और कोटद्वार और श्रीनगर वाले सोच रहे हो, सुन रहे हो, मदद नहीं, पैसे से नहीं मदद करी, वोट से करी, सपोर्ट करा। हाँ। पैसे की बात करूं मैं? अच्छा ठीक। कोटद्वार में थोड़ा बहुत किसी ने करी होगी, लेकिन नहीं करी बहुत ज्यादा किसी ने मदद। इसका एक मैसेज ये भी है कि भाई मेरी थोड़ी सी मदद करो, संकट में हूँ, चुनाव लड़। हाँ हूँ ना, मैं अभी तो संकट में, बस अगर मैं पीछे हट रहा हूँ, आपको ईमानदारी से बताऊँ भाई, जीत हार के तो पता नहीं। अब ईडी आ गई तो साला कर्ज भी नहीं, बैंक से कहीं से कर्ज लेता किसी और नाम पर और खर्च चुनाव में करता, तो अब ईडी वाले तो वो भी नहीं करने देंगे आप। तो अब चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो मैं जो एक थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि पार्टी कहेगी तो मैं तो पार्टी से बाहर नहीं कर सकता हूँ कि भाई तुम मुझे थोड़ा चुनाव लड़ने के लिए ठीक पैसा दो, मदद करो थोड़ा सा। अच्छा, ये जो प्रभारी आए, जो स्क्रीनिंग कमेटी के लोग आए, भक्तचरण दास साहब आए, कुमारी शैलजा आई, इनसे बात हुई आपकी चुनाव लड़ने के संदर्भ में? मैंने नहीं बात करी। तो किससे बात करके गई वो, मतलब वो बात करी हुई सबसे, लेकिन बात नहीं करी? नहीं, मेरे से बात नहीं करी, मैंने खुद भी नहीं गया मैं। अच्छा, मैं गया नहीं। मैं मेरे अब इस तरह ये थोड़ी रहा कि मैं दावेदारी करूं, मैं रोटी करूं। हरीश रावत तो दावेदारी करने के लिए वहां चले जाते हैं। अब मैं वो मेरे बड़े भाई है। हां, मैं मेरे बड़े भाई है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। नहीं, मैं अगर दावेदारी नहीं करेंगे तो टिकट कैसे मिलेगा पार्टी? ये मैंने कभी आज तक दावेदारी नहीं करी। अब ये तो खासियत है, मैंने कभी आज तक दावेदारी नहीं करी, और जिसकी दावेदारी करता हूं वो मैं कभी पढ़ना नहीं। अच्छा, आज से 6 महीने बाद कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? मतलब चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे, वो मेरी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरी नीयत सही है, मैं तो जब मैं कोटद्वार चुनाव लड़ा था, मैंने उनसे कहा था भैया तुम्हारा मैं विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ तुम्हारे बीच में। पौड़ी भी मैंने कहा, लहसुन भी कहा, रुद्रप्रयाग कहा, मेरा जब तक सांस है तब तक मैं आपके बेटे भाई के रूप में आपके बीच में रहूँगा, आपके सुख दुख में रहूँगा। अब तो मैंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड के लिए और इस देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अब तक तो पहले लालच था कि बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा बहुत लालच भी रहता था, ये लालच ही है। अच्छा, मतलब कभी कभी ऐसा डर नहीं लग रहा है कि मतलब ईडी तो जेल भी भेजे तो ठीक है, मैं तो राम जन्मभूमि में 2 महीने जेल रहा हूँ। नहीं, वो तो एक आंदोलन दूसरा था। ये भी आंदोलन है, सच्चाई का आंदोलन, इससे बड़ा आंदोलन कोई है भाई? सीता को तो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, वो चरित्रवान थी, भगवान राम भी जानते थे मेरे सीता चरित्रवान है, भगवान राम भी जानते थे, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये सीता के रावण के उसमें रही तो पत्नी को उंगली उठा दी। तो भगवान राम जानते हुए कि मेरी सीता जो है चरित्रवान है, तभी भगवान राम ने जो उसकी अग्नि परीक्षा ली। तो ये हरक सिंह तो वो तो देवताओं की बात है, तो हम तो कलयुग के इंसान हैं। हम अगर एक चीज सुनो, जब हमने कोई किया ही नहीं है, जब लोग को जबरदस्ती साले जो है हम पे वो लगा लेकिन लेकिन सरकार जबरदस्ती कर सकती है ना, मतलब कोई करे तो करे, अब क्या कर सकते हो? अच्छा बताओ, तो आप भर जाओ, आप बताओ, आप ही चाहोगे हरक सिंह जी के साथ जबरदस्ती हो तो आप ही नहीं कुछ कर सकते। आप इंटरव्यू तो दिखा सकते हो मेरा जी, आप ही नहीं कुछ कर सकते। अगर वो
ये उद्देश्य बना के या ये फिक्सिंग होगी कि भाई अलग से को जेल भेजना है तो कोई क्या कर सकता, चाहे यहाँ भीड़ हो। अब माना मैंने इसलिए सब लोगों से कहा, मैंने कहा ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। अब तो मैं देखिए बहुत मैं क्या फर्क पड़ता है, एक चीज सुनो, 6 बार मैं विधायक रह गया, 9 बार में मंत्री का विपक्ष नेता भी मंत्री होता है, तो विपक्ष नेता भी जोड़ लो, खाद्य ग्राम कैबिनेट मंत्री और चेयरमैन यूपी में मायावती के समय में जोड़ लो, 2 ये हो गया, और 7 बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली, जैसा बीजेपी गवर्नमेंट में 3 मुख्यमंत्री बदले 3 बार शपथ ली, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 मुख्यमंत्री 2 तिवारी साली कल्याण सिंह साली। अच्छा अभी ये यूसीसी का बिल विधानसभा से पास हो गया है, समान नागरिक संहिता, इस पर कुछ कहेंगे आप, अच्छा है बुरा है, क्योंकि बाकी सबके विचार तो हमने सुन ली विधानसभा के। देखिए ये मैं एक चीज बता दूं, बेसिकली क्योंकि ये एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, और एक होती है समयवर्ती सूची। समयवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है, शिक्षा दोनों में, राज्य की सूची में भी एक केंद्र सूची में भी, केंद्र भी, केंद्र की भी अपनी यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्र भी गाइडलाइंस देता है और राज्य भी अपनी यूनिवर्सिटी बनाता है और उस अपनी एजुकेशन उसकी अपनी भी, सेंट्रल स्कूल भी हैं और स्टेट का अपनी स्कूल भी, तो ये समयवर्ती सूची में एजुकेशन। ये वो जो सब्जेक्ट है ये केंद्र सूची का सब्जेक्ट है। अब बहुत कोई मुझे मतलब एक अध्ययन के नाते, पॉलिटिकल अध्ययन के नाते, एक शिक्षक के नाते जो मैं कह सकता हूँ, ये केंद्र की सूची का सब्जेक्ट है। अब एक स्टेट में कानून होगा, दूसरे स्टेट फिर तो वो कश्मीर से 370 हो गया ना, और पूरे देश में अगर मैं लागू होता है ये तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए क्योंकि दिशा तो वही है, इन्होंने लागू कर दिया, राजस्थान में तैयारी हो रही, यूपी एमपी गुजरात। मैं तो कह रहा हूँ कि केंद्र को अगर इस पर कानून बनाना है तो देखिए इस पर सबसे बातचीत करनी चाहिए, केवल वाह वाह के लिए कोई काम नहीं। नहीं वो तो ठीक है, मैं आपका विचार जानना चाह रहा हूँ कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस रूप में होना। अब मैंने देखिए अभी इस कानून का ढंग से अध्ययन किया नहीं किया, चलिए मतलब मैं तो अभी सरसरी निगाह से कह रहा हूँ कि भाई ये कानून जो है पूरे प्रदेश अगर लागू हो तो पूरे प्रदेश देश में हो, ऐसा नहीं हो कि भाई एक प्रदेश करे दूसरा प्रदेश करे। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र स्टेट लेवल पे नहीं होने चाहिए और केवल श्रेय लेने के लिए नहीं होने चाहिए कि साहब हमने कर दिया, उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया जिसने ये कानून बनाया। और जब व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से तो मैं अब या फिर लोग कहेंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में नहीं कर रहा हूँ इस बात को, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पूरे देश के अंदर एक कानून के पक्ष में हूँ कि कानून होना चाहिए। क्योंकि चाहे हिंदू मतलब बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की जो भावना है उसकी जो सोच है वो मत आपका भी है। मैं बीजेपी की सोच एज ए कॉमन मैन मैंने कहा ना, मैं एज ए पॉलिटिकल कार्यकर्ता रूप में नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैंने बोला है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का ये इसलिए मैंने ये बात कही कि जब आप ये बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ सिंपैथी, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए है। नहीं और रास्ता नहीं बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आप तो इसमें मैं बिल्कुल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी करे। देखो मैं जब एक देश है हमारा तो एक देश में जो है एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चन हो चाहे कोई हो, चाहे कश्मीर का हो चाहे कन्याकुमारी का हो चाहे उत्तराखंड का हो चाहे तमिलनाडु का हो, सबके लिए एक समान हो। तब हमें लगा भारत माता हमारी है, ये हम उसके नागरिक हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरे पार्टी की राय से हटकर है मैं बताऊँ। और ये कोई मैं ये अगर आप मुझसे ईडी वो न्याय होती, अब जैसे राम जन्म मान लो है तो हमारे भी झंडा आप देखो जो ऊपर झंडा लगा होगा। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में देखिए मैं ज्यादातर कांग्रेसों ने नहीं लगाया। नहीं मैंने तो इसलिए लगाया, मेरे से यही तो सिग्नल जाते हैं। नहीं मेरी मिसेज ने वो तो कब की बात है, जिस दिन 22 जनवरी को कोई ईडी थोड़ी लगाया, आप पूछ लो किसी नहीं नहीं लेकिन मैं ये तो ना यही तो सिग्नल जाते हैं कि भाई हाँ हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है, हम जो बात कह रहे हैं उसको नहीं मैं इस देखो मैं कुछ मामलों में देखो
देखो आपकी पर्सनल जिंदगी भी तो है। अब कांग्रेस का आदमी क्या पूजा नहीं करेगा क्या? कांग्रेस आदमी व्रत नहीं रखेगा क्या? क्या कांग्रेस आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा क्या? तो अब इसमें मैं पूजा करूं, मैं भगवान राम को मानूं, तो अब कोई मुझे कह दे यार मैं भाजपा के फिलॉसफी पे, भाजपा के विचारों पे जा रहा हूं, ये नहीं। ये मेरे विचार शुरू से थे, हैं और रहेंगे। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता, लेकिन अगर मेरे को एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स में से कोई आपसे सीधा संपर्क करे और वो कहे कि आप हमारी पार्टी में आइए और आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको जो भी जिस तरीके की भी एडजस्टमेंट होती है वो होगी, तो अभी देखिए मेरी इस मुद्दे पे किसी से बात नहीं हुई। अगर होगी, देखिए मैंने उस दिन भाजपा छोड़ी नहीं थी। नहीं, वो एक अलग बात है, मतलब आप और पता नहीं क्या परिस्थितियाँ बनी। देखिए मैंने कहा ना, मैं कभी भी मैंने निर्णय, क्योंकि मैं लोग भले मुझे दल बदल का है, लेकिन मैंने कभी भी अपने मन से परिस्थितियाँ बनती हैं और मुझे पार्टी छोड़नी पड़ती है, पार्टी निकाल देती है, या तो मैं इतना बेकार आदमी हूँ उस पार्टी के लिए बोझ बन जाता हूँ, इसलिए वो सोचते इस बोझ जाए, या मैं या लोग मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र करते हैं, सब आप आदमी मुझको अपना प्रतिद्वंदी समझने लगता है। अरे भैया मैं किसी का प्रतिद्वंदी हूँ, अब मैं तो यहाँ हरीश भाई को भी आप मुझे बता दो एक जगह जहाँ मैंने बड़े भाई से जो है, जब मैंने बगावत की हरीश भाई से, तब भी मेरे इंटरव्यू देख लीजिएगा, मैंने लाख कुछ कहो लेकिन बड़ा भाई का होगा। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, आप ज्यादा नजदीकी किसके हैं, कोश्यारी जी के हैं या हरीश रावत जी के हैं? पर्सनल में कंफर्टेबल किससे बात? नहीं देखो मेरे, मैं तो मैं 80 से हरीश रावत को भी जानता हूँ, 80 से मैं कोश्यारी जी को भी जानता हूँ, लेकिन कोश्यारी जी और मेरे बहुत मतलब पॉलिटिकल नहीं, वो 3 दिन मेरे घर पे श्रीनगर, मतलब मैं नहीं था घर पे, सुन लो मैं घर नहीं था श्रीनगर, और मेरे घर पे 3 दिन रुके हो, बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले, 27-29 साल पहले की बात है। मैं उनके पिथौरागढ़ जब भी जाता था, मंत्री के रूम में नहीं, वैसे भी कार्यकर्ता रूम जाता था, तो उन खाना उनके घर पर खाता था। मेरे देखो उनसे मेरे कोई पॉलिटिकल रिश्ता ही नहीं, मतलब ज्यादा नजदीकी कंफर्टेबल बात करने में आप कोश्यारी जी से हैं। देखो मैं उनके वो उनके मेरे संबंध राजनीति बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। जैसे मोहन सिंह गांव से बेचारे बीजेपी में उन्होंने मेरे को मेंबर बनाया था, उनके मेरे संबंध कोई मनोकाल ध्यान नहीं, मेरे संबंध कोई बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। मैं कुछ रिश्तों को बेहतर रिश्तों को हमेशा मानता हूँ। धामी जी से कैसे संबंध है, अभी बात बात होती है कभी, मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात ऐसी कोई शादी ब्याह में हो जाती है, मेरी 2 बार हुई है तब से जब से मैं टेलीफोन पे कोई बातचीत, शुभकामनाएं, कभी मैसेज? कभी नहीं हुआ, नहीं होती, मतलब इसलिए नहीं होती कि मैंने एक बार टाइम लिया था मिलने का, तो वो उस समय शायद वो बाहर थे, तो फिर वो आए होंगे तो मैं नहीं था। नहीं, सीधा फोन उठा के कभी नहीं है, सीधा उठाया फोन कर दिया? नहीं, ना मैंने किया ना उन्होंने किया। अब वैसे तो मेरा छोटा भाई है, देखो भले मुख्यमंत्री हो, अब पड़ोसी भी हैं यहाँ, आप बता रहे हैं? नहीं, वो वहाँ रहते हैं, मैं तो यहाँ। अब उसके मन में भी कुछ है, अब वो मेरी पार्टी की मजबूरी थी, उसके मन में ये है कि अब देखे ना, मैं व्यक्तिगत संबंधों को पार्टी के अलग अलग रखते हैं। अब वो मैं उसके क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गया हेलीकॉप्टर से, तो शायद उनके मन में हो गया, धामी के मन में कि भी मेरे प्रचार में आया, खिलाफ आया, प्रचार में आया। अब मेरी मजबूरी थी भाई, अगर मैं कांग्रेस में हूँ तो मैं जाऊँगा ना, मेरी ड्यूटी लगाएंगे, कांग्रेस ने भी जानू उसकी वहाँ ड्यूटी लगाई, मेरी लगानी नहीं चाहिए थी। अब मन ये कहता है कि नहीं लगानी चाहिए थी। अब नहीं, अब वहाँ मेरी स्थिति वहाँ ये होगी कि दो तो छोटे भाई हैं, दोनों छोटे भाई है। मैं धामी की शादी में, आप विश्वास करोगे, मैं पिथौरागढ़ था उस समय दौरे पे, विपक्ष 2012 में, विपक्ष का नेता था 11 में, हाँ विपक्ष का नेता था। वहाँ मैं दौरा छोड़ के इनके घर पे पहुँचा, धामी के घर पर, और ऐसे संबंध मेरे धामी से कि आप देखते रहोगे जब मेरे ऑफिस आते होंगे आप, तो पुष्कर भाई को हमेशा मेरे यहाँ, पुष्कर धामी जी को आप मेरे ऑफिस बैठे देखते रहोगे। अगर विधानसभा चल रही है, विधानसभा धामी जी आए, तो बिना मेरे ऑफिस के कहीं जाते नहीं थे, और यहाँ घर पे भी बिल्कुल, हमारे वहाँ यमुना कॉलोनी में भी, तो पुष्कर से मेरे छोटे भाई की तरह संबंध है। और मैं अपना दुर्भाग्य हूँ, स्वभाग्य कहूँ, ये क्या नाम, भुवन कापड़ी भी, भुवन कापड़ी को भी मैंने मंडी अध्यक्ष बनाया, भुवन कापड़ी को युवा कांग्रेस का मैंने अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ाया, एमएलए टिकट देने में मैंने मदद करी, तो
अब उससे भी छोटे भाई, अब दो छोटे भाई लड़ाई में। अच्छा, अगर दोनों छोटे भाइयों में कंपैरिजन करना हो तो किन से ज़्यादा कंफर्टेबल है बात करने में? अब पहले तो मैं दोनों से ही था, अब जब से मैंने तो धामी चुनाव आ रहा और मैं इसके भुवन के उसमें गया, तब से धामी से वो नहीं रही है। नहीं तो धामी से बहुत ही, मतलब वो बड़ा भाई की तरह मेरी इज्जत करता था हमेशा। देखो झूठ के बोलो तो वो मुख्यमंत्री था, वो जैसे तिरुन राव से मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन तिरुन राव ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो है मेरी फाइलों को मेरे विभाग में, नहीं तो अगर टाइम पे काम करने दिया होता तो आज पाकरो टाइगर सफारी बन गई होती, पहले ही बन गई होती, कुछ नहीं होता ये। लाल डंग चिलर खास सड़क बन गई होती, मेडिकल कॉलेज बन गया होता, मैं कोरदार से ही चुनाव लड़ता, मैं सेंट्रल स्कूल बना देता तो मैं कोरदार से ही चुनाव लड़ता, मैं बीजेपी में ही मिनिस्टर होता। मेरा मन खिन्नी से हुआ ना कि मैं कोरदार के लिए जो मैंने वायदे किए। मन आपका अभी भी बीजेपी में है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बीजेपी देखिए मेरे कुछ जिंदगी वसूल है कि हम उत्तराखंड को या देश के लिए क्या कर सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता किस रास्ते करेंगे, लेकिन हम अपना जीवन निरर्थक न जाए। ये जीवन अगर हमको मिला है तो इस जीवन में जो है एक ऐसा जीवन न हो कि साहब हमारे मन को लगे यार हमने कुछ किया ही नहीं जीवन में। जैसे अब दून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, बागेश्वर जिला बनाया, चंपावत जिला बनाया, रुद्रप्रयाग जिला बनाया, तो ऊधम सिंह नगर जिला बनाया, ऋषिकेश तहसील बनाई, विकासक तहसील बनाई, तो मुझे रिवर राफ्टिंग का काम, रिवर राफ्टिंग जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर बना मैंने शुरू कराया रिवर राफ्टिंग। आज मुझे याद है पांगती जी प्रमुख कमिश्नर गढ़वाल थे और डीजी टूरिज्म थे, और ब्यासी में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि साहब ये अंग्रेज जो है नदी किनारे रहते हैं, नंगे लेटे रहते हैं, हम इन पत्थर मारते हैं तो पौड़ी में चला, पौड़ी में पत्थर डालते हैं तो इस पर आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब इनके लिए जो है वो करो क्या कुछ करो इनको, तो मैंने फिर वो किया विधिवत, उसको लाइसेंस की व्यवस्था की, विधिवत उसको किया, तो संतुष्टि है ना। आज बहुत सारे रिस्क केस के लोग जो रिवर राफ्टिंग करने आते हैं उनको पता ही नहीं होगा इसको किसने शुरू किया, लेकिन जब मैं गैर सीजन में रिस्क केस में भीड़ देखता हूँ, गर्मियों में तो यात्रा की भीड़ होती है, जाड़ों में जब मैं रिस्क केस में भीड़ देखता हूँ पूरी सड़क पर आज फाइव स्टार रोड वो बन गए, तो मेरे को इतना खुशी होती है कि हरक सिंह उस दिन ब्यासी में वो लोग नहीं मिलने आते तो आज ये इतना बड़ा कारोबार, इतना रोजगार का कारोबार नहीं बनता। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए राजनीतिक सिरे लेने के लिए नहीं, जब आदमी आपको भगवान आपको मौका दे किसी पद पे, ये जरूरी नहीं कि आप किसी पद पे रहें लंबे समय तक रहें, ये जरूरी है कि चाहे आप कम समय के लिए किसी पद पे रहें लेकिन उस पद पे रहते हुए आप समाज को, देश को, प्रदेश को क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हरक सिंह रावत साहब से लंबी चर्चा हम कर रहे थे, तमाम बिंदुओं पर खुलकर रावत जी ने बात की है। देखना ये होगा कि जो ईडी दस्तावेज़ों को ले गई है अपने साथ उसमें क्या उनको मिल पाता है, क्या रावत साहब के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ईडी कर पाएगी या ये मामला ठंडा हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना होगा और देखना ये भी होगा कि आने वाले चुनावों में हरक सिंह रावत जी की भूमिका कांग्रेस के भीतर क्या रहती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगले विस्तार से किसी इंटरव्यू में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।